May we very humbly request Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to kindly unveil the official plaque which marks the formal inauguration of India Food Park, Integrated Mega Food Park. ಇಗೋ ನಾಡು ಜನತೆಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಈ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ. ಇನ್ನೀಗ may we very humbly request Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to kindly address this gathering. Bandhugale, spurti daayaka nudigalagagi, daimani, dodda chapale indige, swagatasi. मंच पर विराजमान कर्नाटक के आदरणीय राज्यपाल महोदय श्रीमान वजुभाई वालाजी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्रीमान सिद्धारामैया जी, आज का अवसर जिनके डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, वैसे केंद्र के हमारे साथी मंत्री बहन हरसिमरत कौर बादल जी, श्री सदानंद गौड़ा जी, श्री अनंत कुमार जी, श्री सिद्धेश्वर जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे किसान भाइयों और बहनों, अभी मुख्यमंत्री जी कन्नड़ भाषा में अपनी बात बता रहे थे. मैं कन्नड़ भाषा नहीं जानता, उसके बावजूद भी वो जो कह रहे थे उसको मैं समझ पा रहा था. और उसका कारण ये है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो केंद्र और राज्य को मिलकर के काम करना होगा. राज्य की भावनाओं को केंद्र ने समझना होगा और केंद्र की योजनाओं को राज्य और केंद्र ने मिलकर के ही पार करना होगा. आज ये जो फूड पार्क हम दे रहे हैं, इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार और प्राइवेट पार्टी तीनों की भागीदारी है. तीनों ने मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाया. देश को भी आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली में बैठी हुई इस नई सरकार का संकल्प है. अगर देश को आगे ले जाना है तो राज्यों को आगे ले जाना होगा. राज्य मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा. राज्य विकास करेंगे तो देश विकास करेगा. राज्य प्रगति करेंगे तो देश प्रगति करेगा. पहले के समय में या तो राज्य और केंद्र प्रतिस्पर्धा में लगे थे या तो
राजनीतिक कारणों से विरोध में जुटे हुए थे। कुछ राज्यों को तो दुश्मनी के व्यवहार का अनुभव होता था। देश ऐसे नहीं चल सकता। अगर देश चलाना है तो केंद्र और राज्य को एक टीम बनकर के काम करना होगा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को वो किसी भी दल के क्यों ना हो, दल कोई भी क्यों ना हो, देश तो एक है। कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ना होगा। और मैं एक के बाद एक सभी राज्य सरकारों को विश्वास में लेकर के, सभी मुख्यमंत्रियों का साथ लेकर के, भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को लेटर एंड स्पिरिट में कैसे उपयोग किया जा सकता है, कैसे उस ताकत का उपयोग किया जा सकता है, उसको करने के लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी। आज का दिवस अनेक प्रकार से विशेष है। आज भारत के वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। पहले ही प्रयास में मंगल के ऑर्बिट में स्थान पाने वाला हिंदुस्तान पहला देश बन गया है। आज मेरा यह भी सौभाग्य रहा कि यहां आने से पहले परम पूज्य सिद्धगंगा स्वामी जी के चरण स्पर्श करने का मुझे अवसर मिला, उनके आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। और आज जैसे हमारे मंत्री जी ने कहा, अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म को उसकी पूजा करना का इस प्रोजेक्ट के द्वारा अवसर मिला है। हम सुनते आए हैं भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन देश के किसानों का हाल क्या है? किसान देश का पेट भरता है और किसान की ताकत है दुनिया के भी कई हिस्सों का पेट भर सकता है, लेकिन किसान की जेब नहीं भरती है। वो हमारा तो पेट भरे, लेकिन अगर उसकी जेब नहीं भरती है तो हमारा किसान जाएगा कहां? और वो तब होगा जब हम कृषि को वैज्ञानिक तरीके की ओर ले जाएंगे, हम हमारी उत्पादन क्षमता को बढ़ाएंगे, हम हमारे कृषि उत्पादन को रखरखाव की अच्छी व्यवस्था करेंगे, हम वैल्यू एडिशन करेंगे, किसान को रखरखाव के भाव में वेयर हाउसिंग नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अपना फल फूल पैदा कर करके गांव से बाजार ले जाने के लिए अच्छे रास्ते नहीं है, तो किसान कितनी भी मेहनत करेगा वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकता। और इसे समय की मांग है कि हमारा किसान जो उत्पादन करता है उसको सही मार्केट मिले, सही दाम मिले, रखरखाव की व्यवस्था मिले, वैल्यू एडिशन के लिए प्रोसेसिंग हो। और अगर ये किया जाएगा तो भारत का गांव समृद्ध होगा, भारत का गरीब समृद्ध होगा। अगर हिंदुस्तान की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो गांव के इंसान की खरीद शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, उसके परचेजिंग पावर को बढ़ाना पड़ेगा। अगर गांव के व्यक्ति का परचेजिंग पावर बढ़ता है
तो शहर की इकोनॉमी भी तेज गति से आगे बढ़ने लग जाती है और गांव के व्यक्ति का परचेजिंग पावर तब बढ़ता है जब कृषि क्षेत्र में हमारी ताकत बढ़े। और इसलिए राज्य का, केंद्र का मिलकर के प्रयास रहना चाहिए कि हम कृषि क्षेत्र को किस प्रकार से आधुनिक बनाएं, वैज्ञानिक बनाएं। फूड प्रोसेसिंग ये हमारे देश के लिए नई चीज नहीं है, सदियों से हमारे पूर्वज अपने अपने तरीके से व्यक्तिगत उपयोग के लिए इन चीजों को करते आए थे। आप देखिए बिहार का कोई व्यक्ति कहीं भ्रमण के लिए जाता है, महीने भर के लिए जाना है तो अपने साथ सत्तू बना करके ले जाता है और वो महीनों तक वो सत्तू खाने में काम आ जाता है। यही तो ये फूड प्रोसेसिंग है और क्या है। हमारे पूर्वज हैं जो किसी जमाने में गन्ने के रस से गुड़ बनाते थे और वो भी जमीन पर बना देते थे, वो भी तो फूड प्रोसेसिंग था। एक जमाना था सामुद्रिक मार्ग में एक रास्ता पूरे विश्व प्रसिद्ध था, सामुद्रिक मार्ग में सी रूट में एक स्पाइस ट्रेड रूट सदियों से जाना जाता था। आज तो कई प्रकार के ट्रेड रूट की समुद्र से चर्चा होती है और वो स्पाइसेस का सामुद्रिक जो ट्रेड रूट था, हमारे देश के किसान जो मसाला पैदा करते थे वो पूरे विश्व के बाजार में जाता था और समुद्र के मार्ग का उपयोग भी स्पाइसेस ट्रेड रूट के रूप में होता था। ये सामर्थ्य हमारे देश के किसानों में था। आज समय की मांग है, अगर हमारे देश के किसान जो पैदा करते हैं उसका वेस्टेज अगर हम बचा लें, वेस्टेज, तो भी देश का 30-40 हजार करोड़ रुपया बच सकता है। और उसके लिए इस प्रकार के आधुनिक व्यवस्थाओं को हमें विकसित करना होगा। आजकल तो न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग भी किसानों की भलाई के लिए करने की संभावनाएं पैदा हुई है, भारत उसको भी आगे बढ़ाना चाहता है। उसी प्रकार से इन दिनों मैं कुछ कंपनियों से के सामने मैंने एक विषय रखा है, हम पेप्सी पीते हैं, कोला पीते हैं, न जाने कितने कितने इस प्रकार के बेवरेजेस बाजार में मिलते हैं, अरबों खरबों रुपया का व्यापार होता है। मैंने इन कंपनियों को कहा कि आप ये जो बनाते हैं एरेटेड वाटर्स, क्या उसमें 5% नेचुरल फ्रूट जूस को मिक्स किया जा सकता है क्या? आप कल्पना कर सकते हैं आज जो अरबों खरबों रुपयों का इस प्रकार के पेप्सी वगैरह पेय का व्यापार है, अगर उसमें 5%, ज्यादा मैं नहीं कह रहा हूं, 5% हमारा किसान जो फल पैदा करता है उस फल का जूस अगर उसमें मिक्स कर दिया जाए, हिंदुस्तान के किसान को फल बेचने के लिए कभी बाजार ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, अरबों खरबों रुपयों का फलों का व्यापार एक निर्णय में हो सकता है। मैंने भारत सरकार के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनसे भी आग्रह किया है कि आप रिसर्च करें, क्या इन एरेटेड वाटर्स में ये पेप्सी कोला वगैरह जो बिकता है उसमें हमारा किसान जो पैदा करता है उन फलों का जूस, नेचुरल जूस अगर उसमें डाला जाए तो मेरे किसान की आय बढ़ेगी, उसके फल बिक जाएंगे और मेरे किसान को कभी अपने फल चौराहे पर फेंकने की नौबत नहीं आएगी। मैं अभी
एक साइंस मैगजीन पढ़ रहा हूं, आप देखिए कई चीजें आज किसान जो पैदावार करता है कोई चीज वेस्ट जाने वाली नहीं है, कितनी चीजें बन सकती हैं। हम कैश्यू नट खाते हैं, कैश्यू नट का बड़ा बाजार मिलता है, लेकिन अभी विज्ञान ये कह रहा है कि कैश्यू नट का जो कवर होता है, जो एप्पल होता है जिसमें से कैश्यू निकलता है, वो जो ऊपर का कवच होता है, जो हार्ड कवच रहता है, वो न्यूट्रिशन रिच होता है। अगर उसका जूस बाजार में जाएगा तो न्यूट्रिशन के लिए हर व्यक्ति को उपयोगी होगा। अब तक हम क्या करते थे, काजू निकालते थे और ऊपर का छिलका जला देते थे, अब उसमें वैल्यू एडिशन होने की संभावना हुई है। केले, हम लोग केले की खेती करते हैं, केले निकलने के बाद वो चूरा पौधा जो होता है 5 फीट 6 फीट ऊंचा होता है, उसको नष्ट करने के लिए अलग कॉन्ट्रैक्ट देते थे। 1 बीघा जमीन में ये साफ करने के लिए किसी को 10,000 रुपये 20,000 रुपये भी देते थे। आज हमारे यहां एक यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया है कि केले पकने के बाद, केले निकालने के बाद जो पौधा बचता है उसमें से बहुत बढ़िया तंतु निकलते हैं, धागे बनते हैं और उसमें से उत्तम प्रकार का कपड़ा बन सकता है। केले के वेस्ट में से कपड़ों का निर्माण होने की संभावना पैदा हुई है, यानी मूल्य वृद्धि प्रोसेसिंग। हम सदियों से इन चीजों से परिचित हैं और हम करते आए हैं। हम दूध में से घी बनाते हैं, दूध 2 दिन भी टिकता नहीं है लेकिन घी महीनों तक टिकता है। कौन सी टेक्नोलॉजी, सहज परिवार का ज्ञान है जो फूड प्रोसेसिंग प्रक्रिया को करता है, दूध में से घी बनाता है और महीनों तक इस घी का उपयोग करता है, घी पर खराब नहीं होने देता है। आज हमारा किसान टमाटर बेचता है, कम पैसे मिलते हैं, लेकिन अगर टमाटर का केचप बना करके बेचे तो ज्यादा पैसा मिलता है। और केचप का बॉटल भी बढ़िया हो, नाम भी बढ़िया हो और कोई नटी हाथ में बोतल लेके खड़ी हो तो उससे और ज्यादा पैसे बाजार में मिल जाते हैं। मार्केटिंग का जमाना है। हमारा किसान अगर आम बेचता है तो कम पैसे मिलते हैं, लेकिन अचार बना करके बेचता है तो दुनिया के बाजार में अचार बिकता है। आज पूरे विश्व में भारत के भोजन के प्रति एक आकर्षण पैदा हुआ है। भोजन में भारत का टेस्ट आज विश्व भर में एक आकर्षण का केंद्र बना है, लेकिन प्रिपरेशन उनके लिए संभव नहीं है, इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर हम पैक रेडी टू ईट फूड बना करके दुनिया के बाजार में रखते हैं, आज पूरे विश्व में हमारा माल बिक सकता है। अगर आप इंडियन करी ये क्या करके पैक 3 बेचना शुरू करें, दुनिया खरीदने के लिए तैयार बैठी है। इतना बड़ा ग्लोबल मार्केट है, उसको हम कैसे स्पर्श करें। आज ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसका महत्व बढ़ रहा है, सारा विश्व होलिस्टिक हेल्थ केयर की ओर जा रहा है। हमारे हिमालयन स्टेट नॉर्थ ईस्ट जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की सबसे ज्यादा संभावना है, केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्त, अगर उनको हम अच्छी लेबोरेटरी दें, अच्छा सर्टिफिकेशन दें, दुनिया के बाजार में जो माल 1 रुपए में बिकता है अगर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से बना है तो वही माल 1 डॉलर में बिक जाता है। ये संभावनाएं पड़ी है और उन संभावनाओं को तराशने का प्रयास भारत सरकार कर रही है, उसे प्रोत्साहन दे रही है। हिंदुस्तान के हर कोने में किसान जो पैदावार करता है उस पैदावार के लिए आवश्यक जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे, समुद्री तट से उसको विश्व व्यापार के लिए अवसर देंगे। हमारा किसान बहुत चीजें कर सकता है। एक बार मैं एक फंक्शन में गया था, ट्राइबल इलाका था, वो ट्राइबल लोगों ने मुझे गुलदस्ता भेंट किया और मैं हैरान था, गुलदस्ते में जो फूल थे हर फूल पर मेरी तस्वीर लगी थी।
मेरे लिए वो पहली घटना थी। मैंने कहा भाई ये क्या है, आदिवासी लोग थे, ट्राइबल लोग थे। उन्होंने कहा हम लेजर टेक्नोलॉजी से फूल पर फोटो प्रिंट करते हैं और ये फूल बाजार में बेचते हैं। जो फूल हमारा 2 रुपए में नहीं बिकता था वो फूल आज हमारा 200 रुपए में बिकता है। अब देखिए टेक्नोलॉजी, गांव गरीब के दूर सदार जंगल में रहने वाला आदिवासी भी किस प्रकार से वैल्यू एडिशन किया जा सके वो कर रहा है। हम उसे पहुंचाए बात को, हम व्यवस्थाएं खड़ी करें और देश में आगे बढ़ने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल को हम बढ़ावा देंगे। हम प्राइवेट कंपनियों को प्रोत्साहित करेंगे। आइए हमारे किसानों की जो पैदावार है उसमें मूल्य वृद्धि कैसे हो, किसान को अधिक से अधिक लाभ कैसे मिले, किसान जो पैदा करता है उसका वेस्टेज में से हम बचे, किसान जो मेहनत करता है वो अन्न गरीब के पेट में जाए, गरीब के आशीर्वाद मिले, उन बातों पर हम बल दे रहे हैं। मैं आज इस इंडिया फूड पार्क को देश के चरणों में समर्पित करता हूं, भारत के किसानों के चरणों में समर्पित करता हूं और ये बदलाव आने वाले दिनों में संपूर्ण कृषि क्षेत्र में बदलाव लाएगा। इस विश्वास के साथ एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी को एक नया आयाम देने का प्रयास आने वाले दिनों में भारत की आर्थिक विकास की यात्रा में हमारा किसान, किसान के द्वारा उत्पन्न की गई हमारी पैदावार वो भी हमारी आर्थिक यात्रा को एक बहुत बड़ा बल देंगे। इसी एक विश्वास के साथ फिर एक बार मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं किसानों के इस परिश्रम को सरदार लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान, अटल जी ने कहा था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। आज का वो दिन है जहां जय विज्ञान भी है जय किसान भी है। जय विज्ञान जय किसान ये जय जवान के लिए भी काम आने वाला है। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। ಅನ್ನದಾತಾ ರೈತನ ಭಾಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ನುಡಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರಣೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಜಿ. ಆದರಣೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಜಿ, ಹಿಯರ್ಸ್ ಅ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಲವ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸಿಇಒ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗ್ರೂಪ್, ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಬಿಯಾನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ನಾವು ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಸಿದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳ ಅರ್ಪಣೆ. ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಇಒ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗ್ರೂಪ್, ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಬಿಯಾನಿ.